नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजीव दीक्षित जी के द्वारा कुछ ऐसे अचूक उपाय जो नशा छोड़ने में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। राजीव जी ने अपने कई व्याख्यानों में इसके बारे में बात की है। उनको लोगों ने कहा कि हम नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। बार बार वो कहते हैं हमें मालूम है कि गुटखा खाना अच्छा नहीं है लेकिन तलब उठ जाती है तो हम क्या करें। लोग बार बार राजीव जी से कहते थे कि हमें बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता लेकिन तलब उठ जाती है तो हम क्या करें। बार बार महसूस होता है अंदर से कि शराब पीना अच्छा नहीं है लेकिन फिर ये तलब उठती है और हमें शराब पीनी पड़ जाती है। तो अब सवाल ये है कि बीड़ी सिगरेट शराब इत्यादि इनकी तलब ना उठे, गुटखा खाने की तलब ना लगे तो इसके लिए करना क्या है। इसके लिए बहुत ही अच्छे दो उपाय राजीव जी ने बताए हैं। दोनों ही उपाय बहुत ही आसान हैं और इन सभी तलब को आसानी से कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। पहला तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है तो उन्हें अपनी इस तलब पर कंट्रोल नहीं होता, यानी कि नियंत्रण नहीं होता, जिसका अर्थ है कि उनका मन ही बहुत कमजोर है। तो पहला कदम है मन को मजबूत बनाने का। तो राजीव दीक्षित जी कहते थे कि मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान उपाय है कि आप पहले तो आराम से बैठ जाओ, आलती पालती लगाकर, जिसको हम सुखासन कहते हैं, और फिर हल्के से अपनी आँखों को बंद कर लें। इसके बाद अपने हाथ से अपनी दाई नासिका को, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और केवल बाई नासिका से सांस लें और सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। बाई नासिका से सांस लेने और छोड़ने से होता क्या है, आइए इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हैं। बाई नाक में चंद्र नाड़ी होती है और दाई नाक में सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी जितनी सक्रिय होती है, यानी कि जितनी एक्टिव होती है, उतना ही हमारा मन मजबूत होता है और इससे संकल्प शक्ति बढ़ती है। चंद्र नाड़ी जितनी सक्रिय होती है उतना ही आपका मन मजबूत होता चला जाता है और आप इससे बहुत ही संकल्पवान बनते चले जाते हैं। इतने संकल्पवान कि जो ठान लें उसको बहुत आसानी से पूरा कर लें। तो पहला काम तो ये करना है कि रोज सुबह 5 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराना है। क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना और छोड़ना है लगातार 5 मिनट के लिए। 1000 रुपए किलो का हम गुटखा गटकते हैं, 200 रुपए किलो का काजू खा लो, 300 रुपए किलो का बादाम खा लो, 1000 रुपए किलो का गुटखा क्यों खा रहे हो? और गुटखा खा के गाल गलेगा, कैंसर होगा, मरोगे आप सब। 20 लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। आइए जानते हैं अब दूसरा तरीका क्या है इन व्यसनों को छुड़ाने का। दूसरा तरीका है आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि जिसको आप सब अच्छे से जानते हैं और पहचानते भी हैं। राजीव दीक्षित जी ने उसका बहुत इस्तेमाल किया है लोगों का नशा छुड़वाने के लिए और इस औषधि का नाम है अदरक। अदरक जो कि आसानी से सभी के घर में उपलब्ध होती है। इस अदरक के हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उसमें नींबू को निचोड़ना है और साथ ही थोड़ा सा काला नमक मिला लेना है। अब इन टुकड़ों को अच्छे से नींबू और नमक में मिला लें और इसको धूप में सुखा लें। सूखने के बाद ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े हम अपनी जेब में रख लें। कुछ टुकड़ों को अपनी जेब में रखें और जैसे ही ऐसा लगे कि मन में तलब उठ रही है गुटखा खाने की या तंबाकू खाने की या सिगरेट पीने की, तो हम एक अदरक का टुकड़ा निकालें और अपने मुँह में रख लें। मुँह में रखने से इस अदरक का रस हमारी लार के साथ मिलकर हमारे अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अदरक एक ऐसी अद्भुत चीज है जो कि सुबह से लेकर शाम तक आपके मुंह में उसी तरीके से रखी रहेगी जैसे आपने रखी थी, यदि आप इसको अपने दांतों से ना चबाएं तो। तो इसका चमत्कारी असर जो है वो शुरू होगा जैसे ही अदरक का रस हमारी लार के साथ मिलेगा। तो इससे हमें ना ही गुटखा खाने की तलब उठेगी, ना ही सिगरेट पीने की इच्छा होगी। 15 से 20 दिन लगातार इस नुस्खे को यदि हम कर लेते हैं तो नशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अदरक में ऐसा क्या है जो इन नशों से वो मुक्ति दिला देता है।
तो दोस्तों इसका रीजन भी बहुत साइंटिफिक है। अदरक में एक ऐसी चीज होती है जिसे हम रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में सल्फर कहते हैं। अदरक में सल्फर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है और जब हम अदरक को चूसते हैं और ये हमारी लार के साथ मिलकर हमारे शरीर में अंदर जानी शुरू होती है तो ये सल्फर जो है हमारे खून के साथ मिक्स हो जाता है और लगातार मिलने से अदरक हमारे शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स को सक्रिय कर देता है जो हमारे नशा करने की इच्छा को खत्म करता है। और विज्ञान की जो रिसर्च है सारी दुनिया में वो मानती है कि कोई भी नशा करने की तलब तब उठती है जब हमारे शरीर में सल्फर की कमी हो जाती है। जब सल्फर की कमी हो जाती है शरीर में तो बार बार तलब उठती है बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब इत्यादि पीने की। तो यदि हम सल्फर की मात्रा को पूरा कर दें बाहर से तो ये तलब खत्म हो जाएगी हमारे अंदर से। राजीव दीक्षित जी ने इन नुस्खों का पूरा उपयोग किया है हजारों लोगों का नशा छुड़वाने के। बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा सभी छूट जाता है यदि हम संकल्पवान बने और इन प्रयोगों का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों हमने जाने अभी तक दो अचूक उपाय व्यसन छुड़ाने के। कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है तो उसको बार बार तलब लगती है बीड़ी की सिगरेट की गुटखे की तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि सब छूट जाती। दोस्तों आइए जानते हैं तीसरा उपाय राजीव जी द्वारा बताया गया। राजीव जी कहते हैं ये जो सल्फर अदरक में मौजूद है ये हम अदरक के साथ तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा सल्फर होम्योपैथी में भी उपलब्ध है। तो हमें करना क्या है, हमें किसी होम्योपैथी की दुकान पे जाना है और जो होम्योपैथी दुकान पे ये दवाई विक्रेता हैं, उनसे हमें आग्रह करना है कि हमें सल्फर नाम की दवाई दे दें। जैसा कि हम सब जानते ही होंगे कि होम्योपैथी में दवाइयाँ जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलती है यानी तरल रूप में ये दवाइयाँ उपलब्ध होती है। तो ये जो होम्योपैथी दुकान पे जो विक्रेता होंगे ये एक छोटी शीशी में आपको इस तरल पदार्थ को डालकर दे देंगे। अब इस दवा का उपयोग कैसे करना है, 3 दिन तक लगातार एक बूंद सल्फर की दवाई की खाली पेट हमें अपनी जीभ पर डालनी है। राजीव दीक्षित जी का दावा था कि 50-60% लोगों का इलाज तो केवल 3 दिन की ही डोज में हो जाता था। तो 3 दिन लगातार सेवन और बीड़ी सिगरेट शराब इत्यादि से आपका हो जाएगा छुटकारा। राजीव जी कहते हैं कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा समय से शराब का सेवन कर रहे होते हैं और 3 दिन में उनकी शराब की तलब ना छूटे, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, 3 दिन के बाद हर हफ्ते सिर्फ एक बार इस सल्फर की दवाई की एक बूंद अपनी जीभ पर डाल लेनी है। इस दवाई का सेवन लगातार 2 महीने तक इसी तरह हर हफ्ते एक बार कर लेने से उनकी शराब की लत अवश्य ही छूट जाएगी। दोस्तों एक बात का ख्याल और रखना है कि जब हम होम्योपैथी की दवाई खरीदने जाएंगे तो हमें सल्फर 200 खरीदनी है, अलग अलग पोटेंसी में अवेलेबल होती है, तो हमें सल्फर 200 ही लेनी है। तो दोस्तों ये कुछ 3 अचूक उपाय थे राजीव जी द्वारा बताए गए नशा व्यसन छुड़वाने के लिए। उम्मीद है आप इन नुस्खों का जरूर इस्तेमाल करेंगे और इन घातक चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करेंगे। राजीव जी ने भारत के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, यहाँ तक कि उन्होंने अपना जीवन भी त्याग कर दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके दिए गए नुस्खों को हम अपने जीवन में जरूर उतारें और उनका भरपूर फायदा उठाएं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको इन नुस्खे में से किस नुस्खे से आराम हुआ, आपने कौन से नुस्खे का इस्तेमाल किया अपने जीवन में, और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी बीमारी पर वीडियो बनाएं तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।